नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं हलचल बुलेटिन। बुलेटिन की बड़ी आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। भारत में कोयले की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। देश में कोयले की कमी से बिजली का संकट भी उत्पन्न हो रही है। इसके पीछे का कारण है कि देश में ज्यादातर बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कई बिजली स्टेशनों पर कोयले का स्टॉक केवल 2 से 3 तक ही बचा हुआ है। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि देश में कोयले की संकट को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा और बिजली बंद करने तक की नौबत नहीं आएगी। कोयले की खपत और कमी को देखते हुए सरकार ने पिछले 27 अगस्त को एक कोर टीम का गठन किया था, जो कि हफ्ते में 2 बार कोल स्टॉक की निगरानी और प्रबंधन का काम देखती रहेगी। इस कमेटी में ऊर्जा मंत्रालय, CEO, POSOCO, रेलवे और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी हैं। कोल इंडिया ने भी कहा है कि वह कोयले की डिस्पैच की मात्रा बढ़ाएगी। दरअसल कोयले की यह कमी पिछले कुछ महीनों से ही देखी जा रही है। इसके पीछे का कारण देखा जाए तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण देखा जाए तो कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रही है, जिसके लिए कारखानों में कोयले की खपत बढ़ गई है। इसके अलावा कोरोना के बाद कई सारे लघु उद्योग खुल चुके हैं, जिससे कोयले की खपत काफी बढ़ गई है। दूसरा कारण यह है कि कोयला उत्खनन स्थलों पर काफी बारिश हुई है, जिसके चलते भी कोयले के तुदखाना में काफी दिक्कत आ रही है। कई जगह तो यह बंद भी हो चुका है। इसके अलावा विदेशों में आयात कोयले की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण विदेश में कोयले की आयात काफी कम हो गई है। कोयले की कमी को देखते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया से कोयले खरीदा, जो कि चीन के बंदरगाह से होते हुए भारत आना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और चीन की आपसी रंजिश के वजह से वह अब तक चीन के बंदरगाह पर ही फंसा हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि वह जल्द ही कुछ करेगी। बहरहाल यह संकट कब तक रहेगा, अब यह देखना हो। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा डीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।